subscribe my channel and press the bell icon for more updates about job vacancy and CNC programming. Like this video and share to everyone. चैनल के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे टाइप करना है आपको GNEA एक्सपर्ट CNC। आप जैसे ये टाइप करेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है वो चैनल लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन, जबकि ऑल कर दोगे आप सारी वीडियोज जो है आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगी, जितनी भी मेरी वीडियोज है। और जिसको भी देखनी है तो ये प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। प्लेलिस्ट में क्या है कि हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, इंटरव्यू से लेके सारी यूट्यूब वाली है, मैक्रो प्रोग्रामिंग की, इंजीनियरिंग की है। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ये CNC के ऊपर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे हैं तो मैंने सोचा कि ये सभी के साथ शेयर करना चाहिए। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये है कि CNC प्रोग्रामर कैसे बने वो, दूसरा क्या MNC कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप CNC प्रोग्रामर बन सकते हैं, तीसरी चीज़ क्या CNC का जो अभी टाइम है ये खत्म होने वाला है, चौथी चीज़ क्या मैकेनिकल के अंदर अगर CNC लाइन को किसी ने चुन लिया है तो क्या वास्तव में उसका करियर बर्बाद है, ये चीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CNC प्रोग्रामर के बारे में। फ्रेंड्स देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि CNC प्रोग्रामर के लिए क्या होता है कि सबसे पहले डेडिकेशन चाहिए होता है और एक अच्छी क्या है कि गाइडेंस चाहिए होती है। मतलब आप ऐसी कंपनी पकड़ो जहाँ पर आपको काम सीखने को मिल रहा हो। 6 महीने तक आप कहीं पर काम करो, अगर आपको लग रहा है कि यार केवल उस पर बस वो सेम ही काम आपसे करवा रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। जिस सैलरी आपको मिल रही है वही सैलरी जो है उसी इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी भी आपको दे देगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या है कि अपनी संभावनाएं तलाशनी होगी इसके लिए, वो है। धीरे धीरे क्या है कि आप क्या है कि काम करते जाओ, और क्या है कि हल्की सी गाइडेंस तो क्या है कि किसी न किसी की चाहिए होती है। कोई भी अगर हम ऑनलाइन कोर्स भी करते हैं, ऑनलाइन से क्लासें भी हम करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं पेटेल के साथ में खुद ही, तो भी बंदा सीख सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें प्रोग्रामर ही बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप जो है वो नेट पे कई वीडियोस अवेलेबल है तो उसमें देख के भी आप क्या है कि प्रोग्राम आसानी से बन सकते हैं। बस क्या है कि आपको प्रोग्राम को बना के और उसको क्या है कि मशीन में रन करवा के एक पार्ट अगर आप डेवलप कर दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जिस दिन वो को मिल जाएगा आप CNC प्रोग्रामर बन जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ MNC कंपनी। फ्रेंड्स देखो, MNC कंपनी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ होता है वहाँ पे, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले हैं तो, क्योंकि क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है मैंने देखा है कि वहाँ पे सभी कंपनियों में क्या है कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट ने सभी ने अपने सीनियर वगैरह सुपरवाइजर सब ने अपना वर्चस्व जमा रखा है एक तरह से। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे। वो आपकी अच्छी आपकी किस्मत होगी जब आपको क्या है कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो आपको सिखाए। बाकी मैंने अधिकतर MNC कंपनी में यही चीज़ देखी है कि वहाँ पे जो है बंदे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, वहाँ पे क्या है कि बंदे को काफ़ी टफ कंपटीशन मिलता है सारा। वहीं अगर छोटी यूनिट्स की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे कम बंदे होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे क्या है कि संभावना काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है कि कई बंदे छोटी यूनिट्स में क्या है कि अब जो बंदे काम करते हैं वो क्या नॉलेज उनको अच्छी खासी हो जाती है, इसीलिए क्या है कि वो एक यूनिट छोड़ के दूसरी यूनिट में आता है तो उनको क्या है कि सैलरी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, उनको क्या है काम आता है इसलिए उनको हर कोई पैसा दे देता है, ठीक है। तो मेरा भी यही कहना है कि MNC पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो छोटी यूनिट है, छोटी वर्कशॉप्स है, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं क्या CNC प्रोग्रामिंग का जो स्कोप है ख़त्म होने वाला है। देखो, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि 7 या 8 साल की अगर मैं बात करूँ तो CNC जो है ये लगभग बूम पे ही रहने वाली है, और आगे का पता नहीं क्या होगा कैसे क्या है, लेकिन जो अभी जो फ़िलहाल जो टाइम है वो CNC का है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ अगर ना आगे डेवलपमेंट होती है तो आपको क्या है कि उसके साथ आपको ग्रोथ करनी है आगे से, आगे आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ आने वाली है तो आपको वो चीज़ पर भी फोकस करना है आगे, CNC को नहीं छोड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं CNC भी आपके काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप जो है वो नॉलेज इकट्ठी करने पे आप जो है वो फोकस करें। और पांचवी चीज़, लास्ट चीज़ क्या है वो है कि क्या मैकेनिकल के अंदर CNC लाइन जो पकड़ लेते हैं उनका करियर बर्बाद होता है। देखो, ऐसा है, इसके अंदर क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो क्या है कि ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं, जो क्या है कि एक अपना वाइट कॉलर जॉब ढूंढते हैं, जो अपने लिए क्या है कि एक अच्छी सफिशेंट
लाइफ चाहते हैं जिसमें क्या है कि टाइम टू टाइम रूटीन, 8 घंटे की ड्यूटी हो, अपन आए अपने अपना से लिमिट से काम किया वापस चले गए, जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी जैसी होती है वो, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसी चाह रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, सीएनसी लाइन जो है बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, लेकिन इसके अंदर क्या आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा शुरुआती दौर में, ठीक है। और शुरुआती दौर में डेडिकेशन होने के बाद, ज़्यादा टाइम देने के बाद क्या होता है, जब आप सीख लेते हो कई सारी चीज़ें, उसके बाद भी आपको 1-2 घंटे के एक्स्ट्रा अपने ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो सीएनसी की नॉलेज जो आप ले रहे हो, तो सीएनसी लाइन काफ़ी अच्छी लाइन है मैकेनिकल के अंदर, और जो भी बंदे इसको पकड़ते हैं हमेशा जो है डेफिनेटली उन लोगों ने ग्रोथ पाई है इसके अंदर, अगर वो डेडिकेट होकर काम करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी बोली जाती है और आपसे 9 घंटे काम करवाते हैं, अगर 1/2 घंटा 1 घंटा भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पे देखना है कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है वहाँ पे, मैं कुछ सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ। अगर आपको सीखने को मिल रहा तो बिल्कुल बेशक आप जो है घंटे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये जानकारी थी ये मैं आपको क्या है कि आपके साथ मैंने शेयर करी, क्योंकि ये शेयर करना ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं ऐसे जो क्या है कि जिनको इसके बारे में पता होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। सीएनसी लाइन काफ़ी अच्छी लाइन है, बट इसमें आप डेडिकेटेड होकर काम करते रहो, सीखते रहो, यही चीज़ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों को, कल इसको सभी को साथ शेयर करें, उनको बताएं, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।